अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजी एंड यू वाचिंग आरजे प्लैनेट। आज कुछ टिप्स और कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में बाइक के वो बात करते हैं। सिंस यू ऑल नो के इटसेल्फ मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और डेंजरस चीज़ है, तो ऑफ कोर्स, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि हमें इसको डेली कमोडिटी के लिए यूज़ तो करना है, तो किस तरह इस तरह यूज़ करें कि हमारे सारे टास्क भी पूरे हो जाएँ और हम एहतियात से इस चीज़ को मैनेज भी कर लें। तो सबसे पहले तो हेलमेट, जी स्टार्ट करने से पहले भी बाइक आपके पास ये हेलमेट होना चाहिए, और ये कोई 200-400 रुपए का हेलमेट नहीं होना चाहिए, आपके पास अच्छा हेलमेट होना चाहिए और जो कि बेसिकली डॉट अप्रूव होना चाहिए। डॉट एक सर्टिफिकेशन है सेफ्टी की, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रस्ट की, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं, और ये जो है इस तरह की कई सर्टिफिकेशन आती हैं सेफ्टी की जो कि हेलमेट पर मैंशन होती है, जिसमें ISI है, ये इंडियन सिक्योरिटी या सेफ्टी इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, और ECE भी है, इकोनॉमिक को यू नो ECE, इस तरह की SNELL भी है, लेकिन ये सब इस चीज़ को प्रूफ करती हैं कि ये हेलमेट जो है, अगर इन केस कोई भी अल्लाह ना करे हादसा होता है आपके साथ, तो आपको बचा सकती हैं या आपको जो 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 हेड इंजरी है उसमें कोई मदद दे सकती है कि उसमें कम से कम एटलीस्ट इंजरी कम से कम हो आपकी। तो हम लोग बेसिकली चालान से बचने के लिए हेलमेट्स पहन लेते हैं, या जस्ट यू नो पेट्रोल मिल जाए या कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो उसके लिए हमने हेलमेट्स पहनना। लोगों को आपको देखा होगा आगे टांगे पे होते हैं, ऐसे ना करें। फर्स्ट रूल इज़ हेलमेट आपके पास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डॉट अप्रूव होना चाहिए। जैसे मेरा ये देख सकते हैं आप हेलमेट, ये काफ़ी पुराना हो गया और ये बड़ी अच्छी कंपनी का है, और इसके पीछे ये डॉट अप्रूव भी लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि मैंने फिर इसको स्प्रे पेंट कर दिया था, स्क्रैचेस पड़ गए थे काफ़ी, लेकिन इट्स सेफ, इट्स डॉट अप्रूव्ड, इट्स एटलीस्ट मुझे ये सेफ्टी होती है कि अल्लाह ना करे कोई भी चीज़ हो सकती है आपके साथ। बेसिकली आप सही चला भी रहे हो तो कोई भी आके आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। हेलमेट्स की जहाँ तक हम कोई, मैं अगर प्रेफरेंस दूँ आपको, तो JKI के हेलमेट आते हैं, स्टड्स के हेलमेट आते हैं, और इस तरह के काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, जो कि स्टील बर्ड है, मतलब एटलीस्ट ये ब्रांड्स आपको 5,000 रुपीज़ प्लस में मिलेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस तरह की कोई चीज़ अपने ऊपर सेफ्टी मेजर के लिए खर्च करते हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है सेफ्टी गियर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए, जिसमें जो कॉमनली है चीज़ें हैं ना, वो है एटलीस्ट ग्लव्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो कि आपको सपोर्ट करें गिरते हुए। और उसमें आप ये देख सकते हैं कि प्रो बाइकर्स के आते हैं ग्लव्स, और एटलीस्ट अच्छे हों कि आपको वो सेफ रख सकें। इस तरह नी पैड्स भी आते हैं और एल्बो पैड्स भी आते हैं, तो अच्छे मैंने देखे हैं बाइकर्स। ये नहीं कि आपके पास कोई हैवी बाइक हो तो आप उसके लिए ये मेजर्स लेंगे, नहीं, 50-60-70 हज़ार रुपये की बाइक पे भी अगर आप अपने ऊपर 10-1 हज़ार रुपये लगा लें, जो कि आपके डेली कम्यूट के हैं, डेली आप उस पर रिस्क लेके एक चीज़ को यूज़ करें, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बार्गेनिंग या कोई बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा जैकेट्स भी आती हैं, और इनफैक्ट आजकल को जैकेट्स वो आ भी रही हैं, इजीली मिल जाती हैं, पहले नहीं मिलती थी, जिसमें अंदर ही वो एल्बो पैड लगे होते हैं, शोल्डर पैड्स लगे हुए होते हैं, बैक बोन के लिए बचाने के लिए उसकी सेफ्टी मेजर्स लगे हुए होते हैं, तो ये मिल भी जाती हैं आराम से, और इतनी कोई एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं। एटलीस्ट ये थोड़े बहुत पैसे खर्च करके आप अगर अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रख रहे हैं तो दैट्स अ गुड साइन। उसके अलावा अगर देखी जाए चीज़, तो मॉडरेट स्पीड पर चलाएँ। देखें, इट्सेल्फ बाइक बहुत डेंजरस चीज़ है, तो आप उसके मीटर पे अगर 120-140 लिखा हुआ है, तो इट डजंट मीन कि आप उसको कहें कि ये मुझे इसको पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। कभी एक आध हाईवे पे भी अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो देखने के लिए कि जी बाइक को वॉल्व खुले रहे और चीज़ इसकी इंजन भी अच्छा रहे, तो चलो भगा दो, वो वंस इन अ ब्लू मून है, लेकिन एटलीस्ट डेली कम्यूट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि मैं इसको मॉडरेट स्पीड पे चलाऊं। तो जितना मॉडरेट चलाएंगे तो ऑफ कोर्स फिर जब अल्लाह ना करे कहीं ब्रेकिंग सिस्टम आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप एकदम नहीं यूज़ करेंगे, और ऑफ कोर्स 40-50-60 की स्पीड इतनी होती है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। बात है कि जब भी चला रहे हो स्टे अलर्ट एंड स्टे शार्प, क्योंकि अगर ये ज़रूरी नहीं है आप घर से बाहर निकले और आप 40-60 की स्पीड मेंटेन रख रहे हैं और आपको है कि भाई मैं तो सही चला रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि कोई गाड़ी, दूसरी गाड़ी वाला या बाइक वाला भी यही चीज़ सोच के निकला हो घर से, जिसकी वजह से आपको पता है कि कोई भी व्हीकल हो वो अगर बाइक के साथ
अगर उसका कोई तसादुम होता है तो ऑफ कोर्स बाइक और बाइक वाला वो ज़्यादा नुकसान में जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दैट व्हीकल। तो ऑफ कोर्स ये जो दो मिरर्स आपको दिए हुए हैं, साइड मिरर्स, ये एक तो उतारा ना करें ले के, ठीक है ना, ये इसलिए होते हैं कि आपने राइट पे मुड़ते हुए इसमें देखना है, लेफ़्ट पे मुड़ते हुए इस पे देखना है। तो प्लीज़ ये चीज़ शो भी करते हैं कि आपको थोड़े कंसर्न्स हैं अपनी सेफ्टी के भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि आप किसी को अगर किसी के अंदर भी घुस जाएंगे जाके बाइक ले के तो उसका नुकसान तो होगा भी, लेकिन ये आपके अपने नुकसान के साथ उसका भी मसला होगा ना। तो हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। तो आप अपनी धुन में नहीं कि बस अगर इधर मुड़ना है तो एकदम मुड़ जाओ, लेफ्ट पे मुड़ना है तो एकदम मुड़ जाओ, ऐसे नहीं है। काइंडली मिरर्स में यूज़ करके मिरर्स को बाइक राइड किया करें। उसके अलावा अगर मैं एक और कोई चीज़ मैंने नोट की है, वो है एग्रेसिव हो जाते हैं हम। अगर मैं जा रहा हूँ और मेरी ही कोई कंपनी का या कोई भी दूसरी कंपनी का बाइक वाला कोई मुझे क्रॉस करता है या गाड़ी वाला क्रॉस करता है, तो आई एम टू एग्रेसिव, और मैं उसको फिर इस तरह रिस्पॉन्ड करता हूँ कि मैं ब्रेक्स लगाना शुरू कर देता हूँ, या उसको अगर वो कोई साइड दे गए या किसी वजह से मुझे नहीं, मुझे ये साइड लगी लेकिन हो सकता है वो अपने उसमें जा रहा हो, उसने नहीं नोट किया हो, तो हम फिर देखते हैं कि भाई इसने कैसे, हम रैश हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा एग्रेशन हमें फिर मजबूर कर देते हैं। हाउएवर हमें ये करना नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है अगर उसने हमें कोई रॉन्ग कट मार दिया है, उसने साइड दे दी है, तो हम एक तरह से सेफ हो गए, वो चला गया, अब हम दोबारा उसको जाके साइड देना है या उससे इसको एग्रेशन को निकालना, हम दोबारा एक डेंजरस जोन में एंटर हो रहे हैं, तो ये हम ये सोच रहे नहीं उस वक्त, और इस चीज़ को हम कर देते हैं। तो काइंडली अपने लिए और दूसरों के लिए भी एक अच्छे शहरी भी साबित हों, और आप जो है ना सेफली राइड करें बाइक को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मुझे भी कमेंट्स में कुछ अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट, एंड आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।